हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जो है किचन का पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया है, यानी खाना वगैरह सारा बन गया है। खाया नहीं किसी ने, बस बन गया है सब्जी और चावल और पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कल से लगातार बारिश होती जा रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही। और बच्चे जो है अभी उठे हैं और वो देख रहे हैं फ़ोन, अभी अपना उठे ही नहीं, तो जब उठेंगे तो उनको खाना दे देंगे। और अभी मैं जाती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मेरे भूख लगी है। सुबह ही नहा लिया था काम करके, सारा झाड़ू पोछा हो गया, पोछा तो नहीं लगाया, झाड़ू करके और जो है खाना बनाया, फिर भूख लगी, अभी जाते खा लेते हैं। जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, बना हुआ तो रखा ही है, जिसके भूख लगेगी वो खाएगा ही। तो जाती हूँ मैं भी खाना खा लेती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके किस किस के यहाँ बारिश हो रही है लगातार, यानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है बारिश ने। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं बिल्कुल भी, इधर उधर सारे घर में कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं, सही से सूख ही नहीं रहे हैं तो इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो चलिए खा लेते हैं खाना, फिर आप लोगों से बात करते हैं थोड़ी देर में। इधर बन रही है मेरी चाय, देखिए अभी मैं डाल देती हूँ दूध। जो है दिन के बजे हुए हैं 2:15 और अभी मैं सो के उठी हूँ, क्योंकि आज मैं सो गई थी, बारिश हो रही थी, बारिश में तो कोई काम तो ज़्यादा रहता नहीं, तो मैंने कहा सो जाते हैं। सो के अभी उठी हूँ, तो के उठने के बाद जो है चाय में चढ़ा के आई हूँ। और शगुन उधर अपना ड्राइंग बना रही है, क्योंकि बच्चे तो सोते हैं नहीं, तो वो अपना बारिश में अपना ड्राइंग बना रही है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन से ड्राइंग बना रही है, तो चलते हैं, तब तक चाय पीते हैं, फिर आप लोगों को शगुन की ड्राइंग भी दिखाते हैं। ये देखो क्या बना रही है, ये देखो ऐसे दिखाओ सीधा, अभी जब पूरा हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे भी कुछ बना है, इसको भी गहरा करें। आंखें हैं वहाँ पे बनी, वो भी दिखाऊंगी। बन जाने दो, फिर फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, शगुन की जो है पिक्चर ये है कंप्लीट हो गई है, अनकंप्लीट थी पहले जब मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो अभी ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट कर दी है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी। और अभी मैं इसके थोड़ी सी और दिखाती हूँ, और ये देख लीजिए इसको भी ये बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने नहीं दिखाया। और ये गणेशा हैं, और ये फ्रेंड्स प्रिंसेस है, बनाया था कुछ दिन पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ये मेरा फेस है, इसने बनाया था फ़ोटो से, लेकिन वो आगे का नहीं बना पाई, और पता नहीं किस फ़ोटो से बनाया, वो है भी नहीं मेरे पास। और उसके बाद ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आज मैं बेड साफ़ करने जा रही हूँ अपना, और बेड में पूरा खिलौने वगैरह सारे पड़े थे, आधा मैंने खोला है, आधा मैंने कहा था सही हो जाएगा तब खोलूँगी, यानी साफ़ हो जाएगा, इधर का सेट कर देंगे तब वाला खोलेंगे, लेकिन फिर उसको दिखाई नहीं पाई। और ये देख लीजिए कितना आधा मैंने साफ़ करके उसमें नीचे पन्नी डाल दिया है। और उसके बाद ये देख लीजिए बच्चों के खिलौने जो है डिब्बे में रख के रखूँगी, नहीं तो फिर ये एक एक करके उठा लेते हैं, जैसे मैं बेड खोलती हूँ इनको देखने को मिलता है कि ले लेते हैं और तोड़ के रख देते हैं, तो वही मैं डिब्बों में करके सारी इसकी मारुति कार जो है उसमें रख दूँगी, और जो है सब अलग अलग ही रखेंगे। पूरा क्लियर से आप लोगों को नहीं दिखा पाई, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने सारे खिलौने वगैरह सब कुछ इसी में सेट करके रख दिया है। और ये देख ही रहा था कि कुछ कोई नई चीज़ मिले तो मैं निकाल लेता हूँ, वैसे ही करते हैं बच्चे और बाहर तोड़ के फेंक देते हैं, तो मैं बस थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दे देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हमेशा के लिए बाहर ही रख दें, नहीं तो फिर वो मिलेंगे ही नहीं, यानी वो फिर सही सलामत नहीं मिलते हैं कि वो सही मिल जाएं। तो अभी देख लीजिए थोड़ा बहुत सामान सेट कर दिया है, अभी उधर का भी सेट करना है मुझे। और ये देख लीजिए अभी दीपावली आने वाली है, वो लाइट है कुमकुम लाइट हम लोग बोलते हैं इसको, तो वही इसको भी रख दे रहे हैं सही से, अभी दीपावली में निकालना ही है, तो मैंने कहा अभी सही से लेकिन साफ़ करके सेट करके रख देते हैं। तो अभी ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना सारा मेरा एक तरफ का तो साफ़ ही हो गया है, अभी जाते हैं दूसरी तरफ का साफ़ करते हैं, लेकिन उसका जो है क्या हुआ, लाइट भी चली गई थी और फिर जल्दी भी हो रहा था, शाम के टाइम हो गया, मतलब 3 बज गया होगा या 4 बज गया होगा, तब मैं हम लोगों ने साफ़ सफाई का स्टार्ट किया था। अभी ये देख लीजिए टीवी को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जाले वगैरह लगे थे, पहले मैंने सोचा नहीं करेंगे रूम को साफ़, लेकिन फिर बाद में कर दिया था, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे जाले वगैरह भी लगे हुए थे, तो फिर सही से हो नहीं पाया, मैंने कहा सही से दिखा नहीं पाई, यानी कैमरे में बस ये, लेकिन इतना मैं साफ़ कर रही हूँ उतना तो दिखाई दिया। और फ्रेंड्स क्या है, ये टीवी जो है एकदम दरवाजे के सामने है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती रहती है, और जाले इसके पीछे बहुत ज़्यादा लगे थे, फिर आज मैंने देखा जब
जब साफ कर रही थी यानी तब देखा, तो फिर मैंने कहा उसको साफ कर देते हैं। और ये देख लीजिए दोनों तरफ के साफ हो गए थे। बजे हुए 6:30 और 6:30 बजे मेरा काम खत्म हो गया था पूरा, बात कर रही मैं आपसे 6:30 बजे, तो 6 बजे तक आज मैंने पूरा इस रूम की साफ सफाई की है, पूरा कमरा साफ हो गया। आवाज कम करो अभी, लाइट भी। तो रूम तो बहुत पहले ही साफ हो गया था, लेकिन जो है दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को, सारा साफ कर दिया था। और उसके बाद में ये देख लीजिए मैंने पूरा सही कर दिया है, लेकिन वो मैं दिखा ही नहीं पाई क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, फिर जल्दी भी था तो मैं नहीं दिखा पाई। जितना दिखाया उतना ही दिखाया, अभी 6:30 बजे मुझे टाइम मिला है। फिर मैं थोड़ा सा लाइट चली गई थी, छत पे बैठी थी, अभी आई हूँ तो मैंने कहा वीडियो भी शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जाते हैं फ्रेंड्स, अभी खाना बनाते हैं जो भी बनाना होगा, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज फ्रेंड्स यहाँ का जो है मैंने फोल्डिंग वाला पलंग हटा दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। और कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी आज, आंगन देख के ही पता लग रहा है वाइट वाइट हो गया है। और ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने फोल्डिंग पलंग डाल दिया है, और शगुन इधर टीवी देख रही है और वो बेड। तो इतना सारा मेरा आज हो गया है। बिस्तर कौन किस पे लेटेगा, एक तरफ से बिस्तर ही बिस्तर। ये देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, और पूरे कमरे की आज साफ़ सफाई कर दी है आप देख सकते हैं। आज मेरा पूरा मतलब 2 घंटे इस कमरे को साफ़ करने में लगे हैं। और फ्रेंड्स इधर जो है शगुन को मैं अपना हाथ दिखा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में लकड़ी घुस गई थी, वो सूप होता है चावल साफ़ करने वाला, उसी में पता नहीं कैसे मेरे चावल साफ़ कर रही थी तो उंगली में घुस गया, तो मैं वही उसी से साफ़ करा रही थी। और कैमरा इधर मेरा गिर गया था, तो वही शगुन हंसने लगी कि ट्राईपॉड से कैमरा ही हट गया, वही फिर मैं सही करके आई। और उसके बाद ये देख लीजिए अभी शाम का टाइम है, और मैंने कहा अभी को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, शगुन तो अपने मन से बता देते हैं तो पढ़ाई कर लेती है, लेकिन इसके पास जब तक मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो ये पढ़ाई कर लेगा। वही जो है मैं इसके पास बैठी थी और कुछ काम दी थी, तो वही वो कर रहा था। क्या होता है जब बच्चों के पास बैठो ना, तो फिर वो अपना खेलने में लग जाते हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा ही नॉटी बॉय है। तो फिर मेरे बगैर यानी जब तक मैं बैठूंगी नहीं बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर सकता। शगुन भी होगी तब भी ये पढ़ाई नहीं करेगा, जब तक मैं ही सिर्फ रहूँगी तभी करेगा। तो इसलिए मैंने कहा बैठ ही लेते हैं। और जो साफ़ सफाई करने के बाद खाना भी बना लिया था। हाँ 8 या 9 बजे का है टाइम ये, तब मैं इनको कहा, मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद अभी मुझे लाइव भी करना है, क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो भी नहीं डाला था तो लाइव जो है मैंने किया था। तो वही मैंने कहा लाइव के पहले 9 बजे के पहले रात के बजे हुए 9 और 9 बजे अभी शगुन इधर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो और मैं जा रही हूँ लाइव करने। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।